किम्स में अस्पताल और ट्रैफिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान से 22 सितंबर से 29 सितंबर तक रोड सेफ्टी अभियान का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर शहर के विविध चौराहों पर जन जागृति की जाएगी। शहर के विभिन्न चौराहों पर पूरे सप्ताह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज RBI स्क्वायर पर जन जागृति की गई। इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। किंग्सवे हॉस्पिटल और ट्रैफिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक रोड सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात के नियमों को लेकर नागरिकों में जन जागृति की जाएगी। आज अभियान के पहले दिन RBI स्क्वायर पर लोगों में जन जागृति की गई। इस दौरान यमराज द्वारा लोगों को संदेश दिया गया, साथ ही बिना हेलमेट पहने लोगों को रुकवाकर रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने और उन्हें गुलाब का फूल हेलमेट भेंट देकर सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही RBI स्क्वायर पर कई लोग जो बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे थे, उन्हें रुकवाकर यमराज के हाथों हेलमेट और गुलाब का फूल दिया गया। वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जो नुकसान होता है, उसके बारे में जानकारी देकर जन जागृति की गई। हॉस्पिटल और ट्रैफिक विभाग के संयुक्त विद्यमान से 22 सितंबर से 29 सितंबर तक जो है सड़क सुरक्षा और रोड सुरक्षा के तहत जो है अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ जो है के ट्रैफिक के रूल फॉलो करने के लिए जन जागृति की जा रही है। इसमें किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी NGO की तरफ से विविध कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। इसमें आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम है, उसके बाद में नुक्कड़ पे जो अवेयरनेस होता है ट्रैफिक उसके बारे में कार्यक्रम दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग स्तर पर जन जागृति की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक विभाग जो है पूरी तरह से हर चौराहे पर हो, रास्ते पर हो, लगे रहता है नागरिकों की सुरक्षा के लिए। फिर भी जो है नागरिक जो है करते हैं, मतलब उसके लिए क्या खास तरीके से मतलब सरकार कुछ अभियान चलाया जाएगा? जी हाँ, अभियान तो चला ही जाता है ना। जो लोग भी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है और कुछ कुछ प्रकरण में वाहन भी जब्त किए जाते हैं। अभी महालोक अदालत भी है, उसमें भी उन लोगों को जिनके अनपेड चालान थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से, वो भी पेड करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ जी नमस्कार। सबसे पहली बात आपके चैनल की तरफ से, और दूसरी बात कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस अभियान है, जिसके तहत किम्स हॉस्पिटल ने आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके ये अभियान चलाया है, जहाँ पे हमें जनरल कम्युनिटी का अवेयरनेस इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ये लिटरेचर के हिसाब से करीब 1.5 लाख लोग भारत के अंदर हर साल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, और साथ में ही इससे भी ज़्यादा लोगों को ऐसी इंजरी होती है जिसकी लाइफ लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो ये सब देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हॉस्पिटल एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नागपुर पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके अभियान चलाएंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट चौक पर जा करके डिफरेंट डेज में नुक्कड़ नाटक करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, साथ में हेलमेट्स का वितरण करेंगे। जो हेलमेट नहीं पहना हुआ उसको हेलमेट देंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और साथ में फूल भी देंगे। इससे हम सोचते हैं कि अगर एफर्ट अगर होता है हम कुछ डिफरेंस लाने में, मुझे लगता है कि हम समर्थ होंगे। हम ये बिलीव करते हैं कि इलाज तो हॉस्पिटल में भी होता है, पर हॉस्पिटल के बाहर भी एज ए सिटीजन ऑफ नागपुर ये हमारा दायित्व है कि हम लोगों में अवेयरनेस लाए। आज हम ये चाहते हैं, हमने ये अभियान शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट फ्री सिटी बने। हम बीइंग फ्रॉम हॉस्पिटल हमने देखा है कि ट्रॉमा के केसेस बहुत
पीड़ा वाला रहता है, लोगों की जाने जा रही है और इससे फैमिली बहुत ही फैमिली का आदमी मेन आदमी चले जाता है। हम चाहते हैं कि सिटी के लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हमारे इस एक्टिविटी को सीरियसली लें और अपने ईद भी डियर एंड डियर को इसका मैसेज दें और इस सिटी को हम एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाएं और हमारे लोगों की जान बचाएं। और यमदूत का यहाँ जो है, यमदूत जो है यहाँ पे, यमदूत एक ये सॉफ्ट, हम ये डर यमदूत के थ्रू हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं सिटी में कि फाइनली जब एक्सीडेंट होता है तो हमें यमदूत से बचना है एंड उसके लिए बेटर है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए और हमें यमदूत के पास नहीं जाना है। तो यमदूत नेक्स्ट 10 दिन तक ये कैंपेन ड्राइव करेंगे और बताएंगे कि मेरे से बच के रहे। थैंक यू। अरे तो बहुत अच्छे हैं ट्रैफिक विभाग से और टीम से हॉस्पिटल से कि आप जब भी निकलो बाहर तो हेलमेट पहन के निकलो, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है उसी दौरान अगर घर में फ़ोन आता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो घर वाले एकदम दहशत में आ जाते हैं, क्या हो गया करके। तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी आप घर से निकले तो प्लीज़ हेलमेट पहन के निकले, सुरक्षित रहे, इसके आप सुरक्षित रहोगे तो घर वाले सुरक्षित रहेंगे। बस ये इनिशिएटिव, और फोर व्हीलर चलाए तो चलती गाड़ी में फ़ोन पर बात नहीं करिए, फोर व्हीलर अगर चला रहे हो तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर। तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी निकले सही सलामत निकले, हेलमेट सीट बेल्ट जो जो चीज़ें हैं सबका पालन करते हुए चलिए। हम सबको बताएं कि ट्रैफिक विभाग से जो है हर समय नागरिकों में जन जागृति की जाती है, चौराहों पर जो है ट्रैफिक पुलिस तैनात रहते हैं और नागरिकों को हर समय अपील करते रहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसके बावजूद भी जो है लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, उसी के लिए जो है सड़क सुरक्षा अभियान 22 सितंबर से 29 सितंबर चलाया जा रहा है किंग्सवे हॉस्पिटल और ट्रैफिक विभाग के संयुक्त विद्यमान से। हमारे साथ है ट्रैफिक विभाग के डीसीपी चरण अवार्ड सर, उनसे हम जानेंगे कि ये जन जागृति पर कार्यक्रम सप्ताह भर चलाए जाएंगे, कौन से जन जागृति पर कार्यक्रम जो है नागरिकों के लिए चलाए जा रहे हैं ट्रैफिक विभाग। नागरिकों के लिए मैं विनती करता हूँ कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। किंग्सवे हॉस्पिटल और लखनऊ सिटी ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के दोनों के सहकार्य से हम लोग ये वाहन सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया है। इसमें आज हम संविधान चौक पे लोगों को हेलमेट बांटने वाले हैं। उसके बाद पूरा हफ्ता शहर के जो नामी चौक है वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट प्लेस और स्ट्रीट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, प्लैकार्ड्स, होर्डिंग्स लगा के लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं और उनका एजुकेशन करने वाले हैं। बिल्कुल, हर बार जो है ट्रैफिक विभाग जो है अपने काम में चलता रहता है, बच्चों के लिए लगता रहता है। क्या लगता है जिस तरह की जान जागृति होते हैं लोग होते हैं लेकिन लोग कई बार हम देखते हैं कि कई बार मतलब जो कभी ये सब होता है हम देखते चला इसके लिए कुछ नई योजनाएँ बनाई जाए। नहीं, आपका कहना सही है लेकिन ये एजुकेशन प्रोग्राम जो रहते हैं उनका काफ़ी हद तक यंग पॉपुलेशन पे असर होता है और उनके चलन में उनके ट्रैफिक नियमों का पालन करने की उनकी जो हैबिट्स है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह कारगर साबित होते हैं। इसके बाद भी हम किंग्सवे के थ्रू और बाकी जो NGOs हैं जैसे जन आक्रोश है और बाकी हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू हम ये बार बार कोशिश करते हैं और करते ही रहेंगे और हम लोग जन जागरूक के कार्यक्रम करते रहें। ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट तो करती है, चालान वसूली तो करती है लेकिन साथ ही साथ लोगों का अगर एजुकेशन भी किया जाए तो मुझे लगता है नागपुर एक अच्छा ट्रैफिक के लिए शहर साबित होगा। सर, दादा
There will be distributing helmets.